कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ पुरुष और महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर नगर के मुख्य चौराहे शिव चौक पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने लगे। आपको बता दें, बीते 20 दिसंबर को CAA के विरोध में मुजफ्फरनगर में हुए प्रदर्शन में जमकर उत्तर हुआ था, लेकिन इसके बाद अब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस कानून का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। CAA की समर्थक मुस्लिम महिला रूबी गजनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम CAA के समर्थन में यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कोई भी प्रदर्शन न करे और मोदी का साथ दे, वह हमारे खिलाफ नहीं है। शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी हुई है वो सिर्फ बहकावे में बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि वो किसी के बहकावे में न आए, अपनी सोच समझ से कुछ करे, न कि किसी और की सोच समझ से चले और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। आज CAA के समर्थन में ये मामला था। किस तरह आप जो है लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रदर्शन ना करे और नरेंद्र मोदी जी का साथ दे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ नहीं है। लगातार शाहीनबाग में विरोध हो रहा है, गोलियां चल रही है, इसके मामले में शाहीनबाग में जो लेडीज बैठी हैं वो सिर्फ बहकाए में बैठी हैं और हम लोग चाहते हैं वो किसी के बहकाए में ना आए, अपनी सोच और समझ से खुद कुछ करें, ना कि किसी और की सोच समझ से चलें, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।